बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता करें। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं गांव में आया हूं, तो अभी मुहर्रम का मतलब सिलसिला स्टार्ट है, तो इस वजह से 2-3 दिन मतलब हमारी क्लोजिंग होती है, क्योंकि काम वगैरह इतना ख़ास होता नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि चलें थोड़ा सा गाँव से हो आते हैं, आउटिंग वगैरह हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, इसलिए प्रोग्राम बनाया और गांव की तरफ आ गया हूँ। और मतलब कल का आया हुआ हूँ और आज सुबह के टाइम मतलब एक तवील रेस्ट के बाद मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाता हूँ दोस्तों के लिए इंशाल्लाह। लेकिन गांव पहुँचने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी भी हुई है और दिल भी परेशान हो गया है, क्योंकि मैंने बड़ी चाहत के साथ कुछ पौधे लगाए थे यहाँ पर, लेकिन उनके अंदर घास फूस इतना ज़्यादा हो गया है कि देख के दिल एक जो सा है ना दहक जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ। और यह है कि फले फूले तो मतलब फल तो नहीं फड़ा, लेकिन ये फूले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, पत्ते वगैरह मतलब इनके मज़ीद काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन यह है कि घास फूस और उसकी मतलब गोडी वगैरह जो सी होती है, क्यारियाँ वगैरह बनाना, उनकी तरतीब करना, वो जो सा है सिलसिला थोड़ा सा पेंडिंग रहा है। बहरहाल, इसके अलावा कुछ पौधे लगे हुए थे, ये देखें काफ़ी बड़े बड़े दरख्त बन गए हैं, ये लेडी फिंगर भिंडी तोरी के पौधे लगे हुए थे, ये काफ़ी बड़े पौधे बन चुके हैं। इसके अलावा ये आप नज़र आ रहा होगा, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें। इसके अलावा ये पौधा मैंने लगाया था, इस पौधे की भी सूरत हाल, ये जो है बादामों का पौधा है, इसकी सूरत हाल बहुत बुरी है इस टाइम, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर किस्म की गोड़ी नहीं हुई, और गोड़ी ना होने की वजह से ये थोड़े से इसके पत्ते सूख गए हैं। बहरहाल, ये बड़ी चाहत और प्यार के साथ लगाए थे, वो भी मैंने लगाया हुआ है। वो अनार का पौधा है, वो भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर मतलब कटिंग वगैरह नहीं हुई, सेटिंग नहीं है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज अगर टाइम थोड़ा सा मिला तो इनकी सेटिंग करूँगा। और उस साइड पर मैंने एक पौधा लगाया हुआ था, ये भी मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। एक ये पौधा, ये आड़ुओं का पौधा लगा है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके पत्ते जोन से हैं वो येलो येलो हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मेरे ख्याल से एक दो खाद नहीं डली, और दूसरी ये है कि इसकी सेटिंग वगैरह नहीं हुई, क्योंकि क्यारा बना हुआ था प्रॉपर तरीके से इसे सेट नहीं किया गया। एक इधर पौधा लगा हुआ था, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जोन सा है, ये नींबू का पौधा है, ये माशाल्लाह काफ़ी मतलब है, इसकी ये नए पत्ते वगैरह निकले हुए हैं। ये तो मैंने सोचा था कि शायद ये सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोन सा है ना, इस क्यारे के अंदर थोड़ा बहुत गड़बड़ेशन है, मतलब एक दो दफ़ा मतलब सर्फ वगैरह गिरा है या कुछ इस तरह की चीज़ें गिरी हैं, तो इस जगह पौधे नहीं होते हैं। बहरहाल, इनकी ये सेटिंग करूँगा, घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया, अल्लाह पाक खैर करें। यही है कि जब अरसे के बाद चक्कर लगे, या बाकी ये है कि काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगा है और देख के बहुत ही ज़्यादा दिल परेशान हो गया है। इसके अलावा मैंने एक पौधा बाहर भी लगाया हुआ था, वो तो सूख चुका है, मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। तो बाकी ये है कि इन चीज़ों को उस वक़्त ही मैनेज किया जा सकता है आसानी के साथ, अगर आप यहाँ पर रहें मुकम्मल तौर पर। हमारा ये होता है कि बस जब भी टाइम मिलता है हम 1-2 दिन आते हैं यहाँ पर, स्टे करते हैं और फिर इसके बाद चले जाते हैं। ये है कि बारिशें वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं गांव में, और आते हुए रास्ते में कीचड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा था, और इसके अलावा हम यही सोच रहे हैं कि अभी गांव में मज़ीद घूमे फिरेंगे आगे पीछे इधर उधर, क्योंकि आज हमारा बकायदा पहले दिन का आगाज़ है, तो कल तो आए थे और पूरा पूरा सुकून किया है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कोई आगे पीछे कोई नई चीज़ नज़र आई, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, आप लोगों को दिखाएँ भी गए, और गांव का जो सकाफत है, रवायत है, इंशाल्लाह जो भी नई चीज़ नज़र आई वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें,
और आपके सपोर्ट की वजह से मैं मज़ीद इंशाल्लाह हल्की फुल्की वीडियोस बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर की दे, खुदा हाफिज़। अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, बुलावा आ रहा है कि जल्दी आए जी नाश्ता करें। ये गांव है, शहर नहीं है कि आप क्या कहते हैं 10 या 11 बजे उठेंगे, क्योंकि गांव में एक सिलसिला है कि लोग सुबह सुबह उठते हैं यहाँ पर और नाश्ता वगैरह मतलब अपना टाइम पे करते हैं, और खाना और घर के मतलब जितने भी काम काज हैं गांव में वो टाइम के साथ किए जाते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर टाइम पे सोया जाता है, तकरीबन 7 या 8 बजे यहाँ पर सब कुछ क्लोज़ हो जाता है और चुप करके अपनी नींद का एक सिलसिला, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा हो जाता है यहाँ पर गांव में। बहरहाल मैं जा रहा हूँ और इसके बाद आगे पीछे यहाँ पर लोफरी और चाह मारेंगे। खुदा हाफिज़।